नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपरहिट मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है। दोस्तों मूवी के स्टार कास्ट की मैं बात करूँ तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा, और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रेग्स टू रीच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डायस्पोरा वेयर कास्ट एंड इनइक्वलिटीज स्टिल एग्जिस्टिंग आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ अप्रेजेंस एंड द वाइट टाइगर इज क्वाइट ए मिक्सर ऑफ स्लमडॉग मिलियनियर्स एंड पैरासाइट। इन बोथ द मूवीज लीड मूवी इज अबाउट ए रिच वेल्थी इंडियन फैमिलीज एबिटियस ड्राइवर लेट वेयर ही यूजेस हिज वीट्स एंड क्यूनिंग्स स्किल्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड इट इज गुड टू सी एट लीस्ट फ्यू इंडियन मूवीज आर फोकसिंग ऑन कॉन्टेंट रेदर देन मसाला। लेट्स होप रेस्ट ऑफ मसाला फिल्म मेकर्स विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एंड आदर्श गौरव इज फ्रेश ब्रिज ऑफ टैलेंट हु डिड इंटेंस हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दिस रियलिस्टिक रोल एंड इट्स फैसिनेटिंग टू सी गॉर्जियस एंड टैलेंटेड प्रियंका आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड शी डिड जस्टिस टू हर रोल एज एक्ट्रेस एंड एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड द मोमेंट शी वॉज ट्राइंग टू इंफॉर्म पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट इन विच शी वॉज इन्वॉल्व विच टुक लाइफ टू एन इनोसेंट पुअर चाइल्ड गॉट ओवर पावर्ड बाय हर एंड वेल्थी हस्बैंड्स फैमिली क्लियरली शोज मनी इज more powerful than something and anything in the world and her anguish over inequality and caste system is a proof after his country is still in developing एंड पोलिटिकली पावर्ड फैमिली हिज एंड डिसेंसी टूवर्ड्स लोअर लेवल एम्प्लॉय एंड हेटेड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम्स वॉट दिस कंट्री एग्जैक्टली नीड मोस्ट। एक्लेम्ड डायरेक्टर्स बहरानी इज ऑन टॉप ऑफ द डायरेक्शंस वेयर ही स्पेड्स एवरी कैरेक्टर्स परफेक्टली इन हार्ड हिटिंग मैनर्स टू अचीव द रियल फीलिंग्स ऑफ इनइक्वलिटी एंड स्टिल ए वाइट टाइगर हैज इनफ करेज विल पावर टू
फुलफिल हिज ड्रीम्स इज रियली एन मोस्ट वॉच एंड स्टिल एंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट एंड यू हैव डिड द एंड यू विल बी एंजॉय द ओवरऑल मूवी एंड इट्स सो गुड इन लास्ट ऑस्कर वर्थी एंड यू शुड वॉच दिस मूवी राइट नाउ एंड द मूवी वाज इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट जॉब हैज बीन डन एंड सो गुड से एंड एक्सक्लूसिवली बी ड्राइविंग द पार्टी पार्ट रीच सन्स एंड हिज रिसेंटली वेड वाइफ एंड सन्स लेट्स द लाइन फाइन लाइन बिटवीन ईच वर्ड Exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusion And the director Ramin Farhani's The White Tiger is a name and the slightly uneven adaptation of Arvind Adiga's 2008 debut novel of the names and a young and ambitious man in India take one of the politicians positions of a personal cut first and the only time Director Sir Ramin Biyani has done the great job and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now and more than everything I felt a sense of pride as an Indian and watching this and none of that story type or overplaying India Everything is done the great in this movie. More than everything, I felt a sense of pride of an India and watching this. None of the story types or the overplaying Indian. Ways and accents and mannerisms it was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could
दैट कुड प्ले इन द एनी सिनेमा एंड एवरी वेयर एंड विदाउट एंड द वाइट टाइगर मूवी इज बेस्ड ऑन अरविंद अदिगा'स नोवेल वॉज पब्लिश इन 2008 इट वॉज It was a great movie and you should watch. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है। दोस्तों मूवी के स्टार कास्टिंग में बात करूँ तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डायस्पोरा वेयर caste and inequalities still existing after thousands of years of oppression, and the white tiger is quite a mixture of slumdog millionaires and parasite. In both the movies, lead movie is about a rich wealthy Indian families ABTS driver late where he uses his wits and cunning skills to become an entrepreneur, and it is good to see at least few Indian movies are focusing on content rather than masala. Let's hope rest of masala filmmakers will learn something from it. And Adarsh Gaurav is fresh bridge of talent who did intense hard work in order to prepare himself for this realistic role, and it's fascinating to see gorgeous and talented Priyanka after a long time, and she did justice to her role as actress and as well as producers, and the moment she was trying to inform police about the accident in which she was involved, which took life to an innocent poor child, got overpowered by her and wealthy husband's family, clearly shows money is more powerful than something and anything in the world, and her anguish over inequality and caste system is a proof after his country is still in developing. And politically powered family is and decency towards lower level employee and hatred against caste systems what this country exactly need most
एक्लेम्ड डायरेक्टर्स बहरानी इज ऑन टॉप ऑफ द डायरेक्शंस वेयर ही स्पेड्स एवरी कैरेक्टर परफेक्टली इन हार्ड हिटिंग मैनर्स टू अचीव द रियल फीलिंग्स ऑफ इन इक्वलिटी एंड स्टिल ए वाइट टाइगर हैज इनफ करेज विल पावर टू फुलफिल हिज ड्रीम्स इज रियली एंड मोस्ट वॉच एंड स्टिल एंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट एंड यू हैव डिड द एंड यू विल बी एंजॉय द ओवरऑल मूवी एंड इट्स सो गुड इन लास्ट ऑस्कर वर्थी एंड यू शुड वॉच दिस मूवी राइट नाउ एंड द मूवी वाज इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट जॉब हैज बीन डन एंड सो गुड से एंड एक्सक्लूसिवली बी ड्राइविंग द पार्टी पार्टरीज सन्स एंड हिज रिसेंटली वेड वाइफ एंड सन्स लेट्स द लाइन फाइन लाइन बिटवीन ईच वर्ड Exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusions And the director Ramin Barhani's The White Tiger is a name and the slightly uneven adaptation of Arvind Adiga's 2008 debut novel of the names and a young and ambitious man in India's take one of the politicians one of the positions of a personal cut purse and the only time Sir Ramin Biyani has done the great job and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now and more than everything I felt a sense of pride as an Indian and watching this and none of that story type or overplaying India everything is done the great in this movie mm.
मोर देन एवरी थिंग्स आई फेल्ट ए सेंस ऑफ प्राइड ऑफ इन इंडिया एंड वॉचिंग दिस नोन ऑफ द स्टोरी टाइप्स और द ओवर प्लेइंग्स इंडियन वेज एंड एसेंट्स एंड मैनरिज्म्स आई इट वॉज वेल रियल एंड द ग्रेट जो बाई ऑल द कैरेक्टर्स एंड द वेरी पावरफुल स्टेटमेंट्स इन ह्यूमैनिटी दैट कुड प्ले इन द एनी सिनेमा एंड एवरी वेयर एंड विदाउट द वाइट टाइगर मूवी इज बेस्ड ऑन अरविंद अदिगा'स नॉवल वॉज पब्लिश इन 2008 इट वॉज It was the great movie and you should watch who right. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है। दोस्तों मूवी के स्टार कास्ट की मैं बात करूँ तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डिस्प्योरा वेयर कास्ट एंड इनइक्वलिटीज स्टिल एग्जिस्टिंग आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ अप्रेजेंस एंड द वाइट टाइगर इज क्वाइट ए मिक्सर ऑफ स्लमडॉग मिलियनियर्स एंड पैरासाइट इन बोथ द मूवीज लीड मूवी इज अबव ए रिच वेल्थी इंडियन फैमिलीज एबीटीएस ड्राइवर लेट वेयर ही यूजेस हिज वीट्स एंड क्यूनिंग्स स्किल्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड इट इज गुड टू सी एटलीस्ट फ्यू इंडियन मूवीज आर फोकसिंग ऑन कॉन्टेंट रेदर देन मसाला। Let's hope rest of masala filmmakers will learn something from it. And others, Gaurav is a fresh bridge of talent who did intense hard work in order to prepare himself for this realistic role and it's a fascinating to see gorgeous and talented Priyanka after a long time and she did justice to her role as actress and as well as producers and the moment she was trying to inform police about the accident in which she was involved which took life to an innocent poor child got overpowered by her and wealthy husband's family clearly shows money is more powerful than something and anything in the world and her anguish over inequality and caste system is a proof after his country is still in developing
एंड पोलिटिकली पावर्ड फैमिली हिज एंड डिसेंसी टूवर्ड्स लोअर लेवल एम्प्लॉय एंड हेटेड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम्स वॉट दिस कंट्री एग्जैक्टली नीड मोस्ट एक्लेम्ड डायरेक्टर्स बहरानी इज ऑन टॉप ऑफ द डायरेक्शंस वेयर ही स्पेड्स एवरी कैरेक्टर्स परफेक्टली इन हार्ड हिटिंग मैनर्स टू अचीव द रियल फीलिंग्स ऑफ इन इक्वलिटी एंड स्टिल ए वाइट टाइगर हैज इनफ करेज विल पावर टू फुलफिल हिज ड्रीम्स इज ए रियली एंड मोस्ट वॉच एंड स्टिल एंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट एंड यू हैव डिड द एंड यू विल बी एंजॉय द ओवरऑल मूवी एंड इट्स सो गुड इन लास्ट ऑस्कर वर्थी एंड यू शुड वॉच द मूवी राइट नाउ एंड द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट जॉब हैज बीन डन एंड सो गुड एंड एक्सक्लूसिवली बी ड्राइविंग द पार्टी पार्ट रीच सन्स एंड हिज रिसेंटली वेड वाइफ एंड सन्स लेट्स द लाइन फाइन लाइन बिटवीन ईच वर्ड Exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusions And the director Ramin Farhani is the white tiger is a name and the slightly uneven adaptations of Arvind Adiga's 2008 debut novel of the names and a young and ambitious man in India's take one of the politicians one of the positions of a personal cut purse and the trying Sir Amin Biyani has done the great job and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now and more than everything I felt a sense of pride as an Indian and watching this and none of that story type or overplaying India everything is done
द ग्रेट इन दिस मूवी? मोर देन एवरी थिंग्स आई फेल्ट ए सीन्स ऑफ प्राइड ऑफ इन इंडिया एंड वॉचिंग दिस. नॉन ऑफ द स्टोरी टाइप्स और द ओवर प्लेइंग इंडियन वेज एंड एसेंट्स एंड मैनरिज्म्स आई इट वॉज वेल रियल एंड द ग्रेट जो बाई ऑल द characters and the very powerful statements in humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind Adiga's novel was published in 2008. It was a great movie and you should watch. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है. दोस्तों मूवी के स्टार कास्ट की मैं बात करूं तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है. दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें. दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए. साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं. ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डिस Diaspora, where caste and inequalities still existing after thousands of years of oppression, and the White Tiger is quite a mixture of Slumdog Millionaires and Parasite. In both the movies, lead movie is about a rich wealthy Indian family's ambitious driver late where he uses his wits and cunning skills to become an entrepreneur, and it is good to see at least few Indian movies are focusing on content rather than masala. Let's hope rest of masala filmmakers will learn something from it. And Adarsh Gaurav is fresh bridge of talent who did intense hard work in order to prepare himself for this realistic role, and it's fascinating to see gorgeous and talented Priyanka after a long time, and she did justice to her role as actress and as well as producers, and the moment she was trying to inform police about the accident in which she was involved, which took life to an innocent poor child, got overpowered by her and wealthy husband's family clearly shows money is more powerful than something and anything in the world, and her
हर एंग्यूस ओवर इनइक्वलिटी एंड कास्ट सिस्टम इज ए प्रूफ आफ्टर हिज कंट्री इज स्टिल इन डेवलपिंग। And politically powered family his and decency towards lower level employee and hatred against caste systems what this country exactly need most acclaimed directors Behrani is on top of the directions where he spades every characters perfectly in hard hitting manners to achieve the real feelings of inequality and still a white tiger has enough courage willpower to fulfill his dreams is really and most watch and still and cinematic experience was great and you have did the and you will be enjoy the overall movie and it's so good in last Oscar worthy and you should watch the movie right now and the movie was interesting and great job has been done and so good and exclusively be driving the party but rich sons and his recently wed wife and sons lets the fine line between each word exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusions and the director Ramin Farhani is the white tiger is a name and the slightly uneven adaptations of Arvind's Adiga's 2008 debut novel of the names and a young and ambitious man in India's take one of the politicians one of the positions of a personal cut first and the only time
डायरेक्टर सर अमीन बियानी हैज डन द ग्रेट जॉब एंड यू विल बी एंजॉय ओवरऑल मूवी वाइल वॉचिंग. यू शुड वॉच द मूवी राइट नाउ. एंड मोर देन एवरी थिंग्स आई फेल्ट ए सेंस ऑफ प्राइड एज एन इंडियन एंड वॉचिंग दिस एंड नोन ऑफ दैट स्टोरी टाइप और ओवर प्लेइंग्स इंडिया एवरीथिंग इज डन द ग्रेट इन दिस मूवी. More than everything, I felt a sense of pride of an India and watching this. None of the story types or the overplaying Indian ways and accents and mannerisms. It was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind Adiga's novel was published in 2008. It was the great movie and you should watch. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है. दोस्तों मूवी के स्टार कास्ट की मैं बात करूं तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है. दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले. दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए. साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं. ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डिस्प्योरा वेयर कास्ट एंड इनइक्वलिटीज स्टिल एग्जिस्टिंग आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ अप्रेजेंस. एंड द वाइट टाइगर इज क्वाइट ए मिक्सर ऑफ स्लमडॉग मिलियनियर्स एंड पैरासाइट इन बोथ द मूवीज. लीड मूवी is above a rich wealthy Indian family's ambitious driver late where he uses his wits and cunning skills to become an entrepreneur and it is good to see at least few Indian movies are focusing on content rather than masala. Let's hope rest of masala filmmakers will learn something from it. And Adarsh Gaurav is fresh bridge of talent who did intense hard work in order to prepare himself for this realistic role and it's fascinating to see gorgeous and talented Priyanka after a long time and she did justice to her role
एज एक्ट्रेस एंड एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड द मोमेंट शी वॉज ट्राइंग टू इंफॉर्म पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट इन विच शी वॉज इन्वॉल्व विच टुक लाइफ टू एन इनोसेंट पुअर चाइल्ड गॉट overpowered by her and wealthy husband's family clearly shows money is more powerful than something and anything in the world and her anguish over inequality and caste system is a proof after his country is still in developing. And politically powered family is and decency towards lower level employee and hatred against caste systems what this country exactly need most acclaimed directors Behrani is on top of the directions where he spades every character perfectly in hard hitting manners to achieve the real feelings of inequality and still a white tiger has enough courage willpower to fulfill his dreams is really and most watch and still and cinematic experience was great and you have did the and you will be enjoy the overall movie and it's so good in last Oscar worthy and you should watch the movie right now and the movie was interesting and great job has been done and so good and exclusively be driving the party but reach sons and his recently wed wife and sons lets the fine line between each word exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusions and the director Ramin Farhani is the white tiger is a name and the slightly uneven adaptations of Arvind Adiga's 2008 debut novel of the names and a young and ambitious man in India's take one of the politicians who
वन ऑफ द पोजिशन ऑफ ए पर्सनल कट फर्स एंड द ओनली टाइम Director Sir Amin Biryani has done the great job, and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now. And more than everything, I felt a sense of pride as an Indian, and watching this and none of that story type or overplaying India. Everything is done the great in this movie. More than everything, I felt a sense of pride of an India and watching this. None of the story types or the overplaying Indian ways and accents and mannerisms. It was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind Adiga's novel was published in 2008. It was the great movie and you should watch. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है। दोस्तों मूवी के स्टार कास्ट की मैं बात करूँ तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डायस्पोरा वेयर caste and inequalities still existing after thousands of years of oppression, and the white tiger is quite a mixture of Slumdog Millionaires and Parasite. In both the movies, lead movie is about a rich wealthy Indian families ABTS driver late where he uses his wits and cunning skills to become an entrepreneur, and it is good to see at least few Indian movies are focusing on content rather than masala. Let's hope the rest of masala filmmakers
विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड अदर्स गौरव इज प्रेज प्रेज ऑफ टैलेंट हु डिड इंटेंस हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दिस रियलिस्टिक रोल एंड इट्स फैसिनेटिंग टू सी गॉर्जियस एंड टैलेंटेड प्रियंका आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड सी डिड जस्टिस टू हर रोल एज एक्ट्रेस एंड एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड द मोमेंट शी वॉज ट्राइंग टू इंफॉर्म पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट इन विच शी वॉज इन्वॉल्व विच टुक लाइफ टू एन इनोसेंट पुअर चाइल्ड गॉट ओवर पावर्ड बाई हर एंड वेल्थी हस्बैंड्स फैमिली क्लियरली शोज मनी इज मोर पावरफुल देन समथिंग एंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड एंड हर हर एंग्यूस ओवर इनइक्वलिटी एंड कास्ट सिस्टम इज ए प्रूफ आफ्टर हिज कंट्री इज स्टिल इन डेवलपिंग and politically powered family his and decency towards lower level employee and hated against caste systems what this country exactly need most acclaimed directors Behrani is on top of the directions where he spades every character perfectly in hard hitting manners to achieve the real feelings of inequality and still a white tiger has enough courage willpower to fulfill his dreams is really and most watch and still and cinematic experience was great and you have did the and you will be enjoy the overall movie and it's so good in last Oscar worthy and you should watch the movie right now and the movie was interesting and great job has been done and so good and exclusively be driving the party Partridge sons and his recently wed wife and sons lets the fine line between each word exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusions and the directors Ramin
रहानी इज द वाइट टाइगर इज ए नेम एंड द स्लाइटली अनइवन एडॉप्शन ऑफ अरविंद अदिगास 2008 डेब्यूट नॉवल ऑफ द नेम्स एंड यंग एंड ambitious man in India's take one of the politicians positions of a personal cut first and the only time director Sir Ramin Biyani has done the great job and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now and more than everything I felt a sense of pride as an Indian and watching this and none of that story type or overplaying India everything has done the great in this movie. More than everything I felt a sense of pride of an India and watching this none of the story types or the overplaying Indian ways and accents and mannerisms it was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind Adiga's novel was published in 2008 it was It was a great movie and you should watch it. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है. दोस्तों, मूवी के स्टार कास्टिंग में बात करूँ तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है. दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए. वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों. अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए. साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं. ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डिस्प्योरा वेयर caste and inequalities still existing after thousands of years of oppression and the white tiger is quite a mixture of slumdog millionaires and parasite. In both the movies lead movie
इज अबव ए रिच वेल्थी इंडियन फैमिलीज एबीटीएस ड्राइवर लेट वेयर ही यूजेज हिज वीट्स एंड क्यूनिंग्स स्किल्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड इट इज गुड टू सी एट लीस्ट फ्यू इंडियन मूवीज आर फोकसिंग ऑन कॉन्टेंट रेदर देन मसाला लेट्स होप रेस्ट ऑफ मसाला फिल्म मेकर्स विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड अदर्स गौरव इज प्रेज ब्रिज ऑफ टैलेंट हु डिड इंटेंस हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दिस रियलिस्टिक रोल एंड इट्स फैसिनेटिंग टू सी गॉर्जियस एंड टैलेंटेड प्रियंका आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड सी डिड जस्टिस टू हर रोल एज एक्ट्रेस एंड एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड द मोमेंट शी वॉज ट्राइंग टू इंफॉर्म पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट इन विच शी वॉज इन्वॉल्व विच टुक लाइफ टू एन इनोसेंट पुअर चाइल्ड गॉट ओवर पावर्ड बाई हर एंड वेल्थी हस्बैंड्स फैमिली क्लियरली शोज मनी इज मोर पावरफुल देन समथिंग एंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड एंड हर एंग्यूस ओवर इनइक्वलिटी एंड कास्ट सिस्टम इज ए प्रूफ आफ्टर हिज कंट्री इज स्टिल इन डेवलपिंग एंड पोलिटिकली पावर्ड फैमिली हिज एंड डिसेंसी टूवर्ड्स लोअर लेवल एम्प्लॉय एंड हेटेड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम्स वॉट दिस कंट्री एग्जैक्टली नीड मोस्ट एक्लेम्ड डायरेक्टर्स बहरानी इज ऑन टॉप ऑफ द डायरेक्शंस वेयर ही स्पेड्स एवरी कैरेक्टर्स परफेक्टली इन हार्ड हिटिंग मैनर्स टू अचीव द रियल फीलिंग्स ऑफ इनइक्वलिटी एंड स्टिल ए वाइट टाइगर हैज इनफ करेज विल पावर टू फुलफिल हिज ड्रीम्स इज रियली एंड मोस्ट वॉच एंड स्टिल and cinematic experience was great and you have did the and you will be enjoy the overall movie and it's so good in last Oscar worthy and you should watch the movie right now and the movie was interesting and great job has been done and so good and exclusively be driving the party but reach sons and his recently wed wife and sons lets the fine line between each word
एक्सक्लूसिवली बी ड्राइविंग द सन्स एंड हिज रिसेंटली वेड वाइफ एंड सून लेट्स द फाइन लाइंस बिटवीन ईच वुड क्रम्बल्स अवे विच लीड्स टू ए ट्रेजिक इनक्लूजन्स एंड द डायरेक्टर रमीन परहानी इज द वाइट टाइगर इज ए नेम एंड द स्लाइटली अनइवेंस एडप्शंस ऑफ अरविंद अदिगास 2008 डेब्यूट नॉवल ऑफ द नेम्स एंड ए यंग एंड ambitious man in India's take one of the politicians positions of a personal cut first and the only time director Ramin Biyani has done the great job and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now and more than everything I felt a sense of pride as an Indian and watching this and none of that story type or overplaying India everything is done the great in this movie more than everything I felt a sense of pride of an India and watching this none of the story types or the overplaying Indian ways and accents and mannerisms it was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind Adiga's novel was published in 2008 it was It was a great movie and you should watch. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है। दोस्तों मूवी के स्टार कास्ट की बात करूँ तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए
फैसिनेटिंग टेल स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डिस्प्योरा वेयर कास्ट एंड इनइक्वलिटीज स्टिल एग्जिस्टिंग आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ अप्रेजेंस एंड द वाइट टाइगर इज क्वाइट ए मिक्सर ऑफ स्लमडॉग मिलियनियर्स एंड पैरासाइट इन बोथ द मूवीज लीड मूवी इज अबाउट ए रिच वेल्थी इंडियन फैमिलीज एबीटीएस ड्राइवर लेट वेयर ही यूजेस हिज वीट्स एंड क्यूनिंग्स स्किल्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड इट इज गुड टू सी एट लीस्ट फ्यू इंडियन मूवीज आर फोकसिंग ऑन कॉन्टेंट रेदर देन मसाला लेट्स होप रेस्ट ऑफ मसाला फिल्म मेकर्स विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड अदर्स गौरव इज प्रेज ब्रिज ऑफ टैलेंट हु डिड इंटेंस हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दिस रियलिस्टिक रोल एंड इट्स फैसिनेटिंग टू सी गॉर्जियस एंड टैलेंटेड प्रियंका आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड सी डिड जस्टिस टू हर रोल एज एक्ट्रेस एंड एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड द मोमेंट शी वॉज ट्राइंग टू इंफॉर्म पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट इन विच शी वॉज इन्वॉल्व विच टुक लाइफ टू एन इनोसेंट पुअर चाइल्ड गॉट overpowered by her and wealthy husband's family clearly shows money is more powerful than something and anything in the world and her anguish over inequality and caste system is a proof after his country is still in developing and politically powered family is and decency towards lower level employee and hated against caste systems what this country exactly need most acclaimed directors Behrani is on top of the directions where he spreads every character perfectly in hard hitting manners to achieve the real feelings of inequality and still a white tiger has enough courage willpower to fulfill his dreams is really and most watch and still and cinematic experience was great and you have read the and you will be enjoy the overall movie and it's so good in last Oscar worthy and you should watch the movie right now and the movie was interesting and great job has been done and it's so good
एंड एक्सक्लूसिवली बी ड्राइविंग द पार्टी पार्टरीज सन्स एंड हिज रिसेंटली वेड वाइफ एंड सन्स लेट्स द लाइन फाइन लाइन बिटवीन ईच वर्ड एंड एक्सक्लूसिवली बी ड्राइविंग द सन्स एंड हिज रिसेंटली वेड वाइफ एंड सून लेट्स द फाइन लाइन्स बिटवीन ईच वुड क्रम्बल्स अवे विच लीड्स टू ए ट्रेजिक इनक्लूजन एंड डायरेक्टर रमीन फरहानी इज द वाइट टाइगर इज ए नेम एंड द स्लाइटली अनइवेंस अडॉप्शंस ऑफ अरविंद अदिगास 2008 डेब्यूट नॉवल ऑफ द नेम्स एंड यंग एंड ambitious man in India's take one of the politicians positions of a personal cut first and the only time Sir Amin Biryani has done the great job and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now and more than everything I felt a sense of pride as an Indian and watching this and none of that story type or overplaying India everything has done the great in this movie more than everything I felt a sense of pride of an India and watching this none of the story types or the overplaying Indian ways and accents and mannerisms it was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind Adiga's novel was published in 2008 it was the great movie and you should watch नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है। दोस्तों, मूवी के स्टार कास्ट की मैं बात करूँ तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव,
आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा, और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डिस्प्योरा वेयर कास्ट एंड इनइक्वलिटीज स्टिल एग्जिस्टिंग आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ अप्रेजेंस एंड द वाइट टाइगर इज क्वाइट ए मिक्सर ऑफ स्लमडॉग मिलियनियर्स एंड पैरासाइट। इन बोथ द मूवीज लीड मूवी इज अबाउ ए रिच वेल्थी इंडियन फैमिलीज एबिटियस ड्राइवर लेट वेयर ही यूजेज हिज वीट्स एंड क्यूनिंग स्किल्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड इट इज गुड टू सी एट लीस्ट फ्यू इंडियन मूवीज आर फोकसिंग ऑन कॉन्टेंट रेदर देन मसाला। लेट्स होप रेस्ट ऑफ मसाला फिल्म मेकर्स विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट। एंड आदर्श गौरव इज फ्रेश ब्रिज ऑफ टैलेंट हु डिड इंटेंस हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दिस रियलिस्टिक रोल एंड इट्स फैसिनेटिंग टू सी गॉर्जियस एंड टैलेंटेड प्रियंका आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड सी डिड जस्टिस टू हर रोल एज एक्ट्रेस एंड एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड द मोमेंट शी वॉज ट्राइंग टू इंफॉर्म पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट इन विच शी वॉज इन्वॉल्व विच टुक लाइफ टू एन इनोसेंट पुअर चाइल्ड गॉट overpowered by her and wealthy husband's family clearly shows money is more powerful than something and anything in the world and her anguish over inequality and caste system is a proof after his country is still in developing and politically powered family is and decency towards lower level employee and hatred against caste systems what this country exactly need most acclaimed directors Behrani is on top of the directions where he spreads every characters perfectly in hard hitting manners to achieve the real feelings of inequality and still a white tiger has enough courage willpower to fulfill his dreams is really an must watch and still and cinematic experience was great and you have did the and
यू विल बी एंजॉय द ओवरऑल मूवी एंड इट्स सो गुड इन लास्ट ऑस्कर वर्थी एंड यू विल बी यू शुड वॉच दिस मूवी राइट नाउ एंड द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट जॉब हैज बीन डन एंड सो गुड से एंड एक्सक्लूसिवली बी ड्राइविंग द पार्टी पार्ट रीच सन्स एंड हिज रिसेंटली वेड वाइफ एंड सन्स लेट्स द लाइन फाइन लाइन बिटवीन ईच वर्ड Exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusion And the director Ramin Farhani's The White Tiger is a name and the slightly uneven adaptation of Arvind Adiga's 2008 debut novel of the names and a young and ambitious man in India's take one of the politicians positions of a personal cut first and the only time Director Sir Ramin Biyani has done the great job and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now and more than everything I felt a sense of pride as an Indian and watching this and none of that story type or overplaying India Everything is done the great in this movie. More than everything, I felt a sense of pride of an India and watching this. None of the story types or the overplaying Indian. Ways and accents and mannerisms it was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind
अदिगाज नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 2008 इट वाज द ग्रेट मूवी एंड यू शुड वॉच। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपरहिट मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है। दोस्तों मूवी के स्टार कास्टिंग में बात करूँ तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डिस्प्योरा वेयर कास्ट एंड इनइक्वलिटीज स्टिल एग्जिस्टिंग आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ अप्रेजेंस एंड द वाइट टाइगर इज क्वाइट ए मिक्सर ऑफ स्लमडॉग मिलियनियर्स एंड पैरासाइट। इन बोथ द मूवीज लीड मूवी इज अबव ए रिच वेल्थी इंडियन फैमिलीज एबीटीएस ड्राइवर लेट वेयर ही यूजेस हिज वीट्स एंड क्यूनिंग्स स्किल्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड इट इज गुड टू सी एट लीस्ट few Indian movies are focusing on content rather than masala. Let's hope rest of masala filmmakers will learn something from it. And Adarsh Gaurav is fresh bridge of talent who did intense hard work in order to prepare himself for this realistic role and it's fascinating to see gorgeous and talented Priyanka after a long time and she did justice to her role as actress and as well as producers and the moment she was trying to inform police about the accident in which she was involved, which took life to an innocent poor child, got overpowered by her and wealthy husband's family. Clearly shows money is more powerful than something and anything in the world, and her anguish over inequality and caste system is a proof after his country is still in developing. And politically powered family, his and decency towards lower level employee and hatred against caste systems. What this country exactly need most? Acclaimed directors Behrani is on top of the directions where he spreads every characters perfectly in hard-hitting manners to achieve the real
फीलिंग्स ऑफ इनइक्विलिटी एंड स्टिल ए वाइट टाइगर हैज़ इनफ इनफ करेज विल पावर टू फुलफिल हिज ड्रीम्स इज रियली एंड मोस्ट वॉच एंड स्टिल एंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट एंड यू हैव डिड द एंड यू विल बी एंजॉय द ओवरऑल मूवी एंड इट्स सो गुड इन लास्ट ऑस्कर वर्थी एंड यू शुड वॉच दिस मूवी राइट नाउ एंड द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट जॉब हैज़ बीन डन एंड सो गुड्स एंड एक्सक्लूसिवली बी ड्राइविंग द पार्टी पार्टरीज सन्स एंड हिज रिसेंटली वेड वाइफ एंड सन्स लेट्स द लाइन फाइन लाइन बिटवीन ईच वर्ड Exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusion And the director Ramin Farhani's The White Tiger is a name and the slightly uneven adaptation of Arvind Adiga's 2008 debut novel of the names and a young and ambitious man in India take one of the politicians positions of a personal cut first and the only time Director Sir Amin Biyani has done the great job and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now and more than everything I felt a sense of pride as an Indian and watching this and none of that story type or overplaying India Everything is done the great in this movie. More than everything, I felt a sense of pride of India and watching this. None of the story types or the overplaying Indian. Ways and accents and mannerisms it was well
रियल एंड द ग्रेट जो बाय ऑल द कैरेक्टर्स एंड द वेरी पावरफुल स्टेटमेंट्स इन ह्यूमैनिटी दैट कुड प्ले इन द एनी सिनेमा एंड एवरी वेयर एंड विदाउट द वाइट टाइगर मूवी इज बेस्ड ऑन अरविंद अदिगाज नॉवल वॉज पब्लिश इन 2008 इट वॉज द ग्रेट मूवी एंड यू शुड वॉच हुई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है। दोस्तों मूवी के स्टार कास्ट की मैं बात करूँ तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रेग्स टू रीच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली वैन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डिस्प्योरा वेयर कास्ट एंड इनइक्वलिटीज स्टिल एग्जिस्टिंग आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ अप्रेजेंस एंड द वाइट टाइगर इज क्वाइट ए मिक्सर ऑफ स्लमडॉग मिलियनियर्स एंड पैरासाइट। इन बोथ द मूवीज लीड मूवी इज अबाउ ए रिच वेल्थी इंडियन फैमिलीज एबिटियस ड्राइवर लेट वेयर ही यूजेज हिज वीट्स एंड क्यूनिंग्स स्किल्स टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर एंड इट इज गुड टू सी एट लीस्ट few Indian movies are focusing on content rather than masala. Let's hope the rest of masala filmmakers will learn something from it. And others, Gaurav is fresh bridge of talent who did intense hard work in order to prepare himself for this realistic role and it's fascinating to see gorgeous and talented Priyanka after a long time and she did justice to her role as actress and as well as producers and the moment she was trying to inform police about the accident in which she was involved, which took life to an innocent poor child, got overpowered by her and wealthy husband's family, clearly shows money is more powerful than something and anything in the world, and her anguish over inequality and caste system is a proof after his country is still in developing.
एंड पोलिटिकली पावर्ड फैमिली हिज एंड डिसेंसी टूवर्ड्स लोअर लेवल एम्प्लॉय एंड हेटेड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम्स वॉट दिस कंट्री एग्जैक्टली नीड मोस्ट एक्लेम्ड डायरेक्टर्स बहरानी इज ऑन टॉप ऑफ द डायरेक्शंस वेयर ही स्पेड्स एवरी कैरेक्टर्स परफेक्टली इन हार्ड हिटिंग मैनर्स टू अचीव द रियल फीलिंग्स ऑफ इन इक्वलिटी एंड स्टिल ए वाइट टाइगर हैज इनफ करेज विल पावर टू फुलफिल हिज ड्रीम्स इज रियली एंड मोस्ट वॉच एंड स्टिल एंड सिनेमेटिक एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट एंड यू हैव डिड द एंड यू विल बी एंजॉय द ओवरऑल मूवी एंड इट्स सो गुड इन लास्ट ऑस्कर वर्थी एंड यू शुड वॉच दिस मूवी राइट नाउ एंड द मूवी वाज इंटरेस्टिंग एंड ग्रेट जॉब हैज बीन डन एंड सो गुड से एंड एक्सक्लूसिवली बी ड्राइविंग द पार्टी पार्टरीज सन्स एंड हिज रिसेंटली वेड वाइफ एंड सन्स लेट्स द लाइन फाइन लाइन बिटवीन ईच वर्ड Exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusion And the director Ramin Farhani's The White Tiger is a name and the slightly uneven adaptation of Arvind Adiga's 2008 debut novel of the names and a young and ambitious man in India's take one of the politicians positions of a personal cut first and the early time Director Sir Ramin Biyani has done the great job and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now and more than everything I felt a sense of pride as an Indian and watching this and none of that story type or overplaying India everything is done
द ग्रेट इन दिस मूवी? More than everything, I felt a sense of pride of in India and watching this. None of the story types or the overplaying Indian ways and accents and mannerisms. It was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind Adiga's novel was published in 2008. It was the great movie and you should watch. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है। दोस्तों मूवी के स्टार कास्ट की मैं बात करूं तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डिस this pura where caste and inequalities still existing after thousands of years of oppression and the white tiger is quite a mixture of slumdog millionaires and parasite in both the movies. Lead movie is about a rich wealthy Indian family's ambitious driver late where he uses his wits and cunning skills to become an entrepreneur and it is good to see at least few Indian movies are focusing on content rather than masala. Let's hope rest of masala filmmakers will learn something from it. And Adarsh Gaurav is fresh bridge of talent who did intense hard work in order to prepare himself for this realistic role and it's fascinating to see gorgeous and talented Priyanka after a long time and she did justice to her role as actress and as well as producers and the moment she was trying to inform police about the accident in which she was involved which took life to an innocent poor child got overpowered by her and wealthy husband's family clearly shows money is more powerful than something and anything in the world and her
हर एंग्यूस ओवर इनइक्वलिटी एंड कास्ट सिस्टम इज ए प्रूफ आफ्टर हिज कंट्री इज स्टिल इन डेवलपिंग। And politically powered family his and decency towards lower level employee and hatred against caste systems what this country exactly need most acclaimed directors Behrani is on top of the directions where he spades every characters perfectly in hard hitting manners to achieve the real feelings of inequality and still a white tiger has enough courage willpower to fulfill his dreams is really and most watch and still and cinematic experience was great and you have did the and you will be enjoy the overall movie and it's so good in last Oscar worthy and you should watch the movie right now and the movie was interesting and great job has been done and so good and exclusively be driving the party but rich sons and his recently wed wife and sons lets the fine line between each word exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusions and the director Ramin Farhani is the white tiger is a name and the slightly uneven adaptations of Arvind's Adiga's 2008 debut novel of the names and a young and ambitious man in India's take one of the politicians one of the positions of a personal cut first and the only time mm
डायरेक्टर सर अमीन बियानी हैज डन द ग्रेट जॉब एंड यू विल बी एंजॉय ओवरऑल मूवी वाइल वॉचिंग. यू शुड वॉच द मूवी राइट नाउ. एंड मोर देन एवरी थिंग्स आई फेल्ट ए सेंस ऑफ प्राइड एज एन इंडियन एंड वॉचिंग दिस एंड नोन ऑफ दैट स्टोरी टाइप और ओवर प्लेइंग्स इंडिया एवरीथिंग इज डन द ग्रेट इन दिस मूवी. More than everything, I felt a sense of pride of an India and watching this. None of the story types or the overplaying Indian ways and accents and mannerisms. It was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind Adiga's novel was published in 2008. It was the great movie and you should watch. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर. दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है. दोस्तों मूवी के स्टार कास्ट की मैं बात करूं तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है. दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले. दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए. साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं. ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डिस्प्योरा वेयर कास्ट एंड इनइक्वलिटीज स्टिल एग्जिस्टिंग आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ऑफ अप्रेजेंस. एंड द वाइट टाइगर इज क्वाइट ए मिक्सर ऑफ स्लमडॉग मिलियनियर्स एंड पैरासाइट इन बोथ द मूवीज. लीड मूवी is above a rich wealthy Indian family's ambitious driver late where he uses his wits and cunning skills to become an entrepreneur and it is good to see at least few Indian movies are focusing on content rather than masala. Let's hope rest of masala filmmakers will learn something from it. And Adarsh Gaurav is fresh bridge of talent who did intense hard work in order to prepare himself for this realistic role and it's fascinating to see gorgeous and talented Priyanka after a long time and she did justice to her role
एज एक्ट्रेस एंड एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड द मोमेंट शी वॉज ट्राइंग टू इंफॉर्म पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट इन विच शी वॉज इन्वॉल्व विच टुक लाइफ टू एन इनोसेंट पुअर चाइल्ड गॉट overpowered by her and wealthy husband's family clearly shows money is more powerful than something and anything in the world and her anguish over inequality and caste system is a proof after his country is still in developing. And politically powered family is and decency towards lower level employee and hatred against caste systems what this country exactly need most acclaimed directors Behrani is on top of the directions where he spades every character perfectly in hard hitting manners to achieve the real feelings of inequality and still a white tiger has enough courage willpower to fulfill his dreams is really and most watch and still and cinematic experience was great and you have did the and you will be enjoy the overall movie and it's so good in last Oscar worthy and you should watch the movie right now and the movie was interesting and great job has been done and so good and exclusively be driving the party Partridge sons and his recently wed wife and sons lets the fine line between each word exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusion and the director Ramin Farhani is the white tiger is a name and the slightly uneven adaptations of Arvind Adiga's 2008 debut novel of the names and a young and ambitious man in India's take one of the politicians who
वन ऑफ द पोजिशंस ऑफ ए पर्सन पर्सनल कट फर्स एंड द ओनली टाइम Director Sir Ramin Biyani has done the great job, and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now. And more than everything, I felt a sense of pride as an Indian, and watching this and none of that story type or overplaying India. Everything is done the great in this movie. More than everything, I felt a sense of pride of an India and watching this. None of the story types or the overplaying Indian ways and accents and mannerisms. It was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind Adiga's novel was published in 2008. It was a great movie and you should watch. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड में रिलीज हुई सुपर हिट मूवी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे द वाइट टाइगर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी रही है और ऑडियंस का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस मूवी को देखने को मिला है। दोस्तों मूवी के स्टार कास्ट की मैं बात करूँ तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, राजकुमार राव, आदर्श गौरव और वेदांत सिन्हा ने जो काम किया है वो बहुत ज़्यादा पसंद किया गया ऑडियंस द्वारा और मूवी काफ़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों अगर आप राजकुमार राव और प्रियंका चोपड़ा के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के ऑडियंस रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ए कॉमन मैन स्ट्रगल फ्रॉम रैग्स टू रिच इज ऑलवेज ए फैसिनेटिंग टेल, स्पेशली व्हेन इट्स रिलेटेड टू इंडियन एंड डायस्पोरा वेयर caste and inequalities still existing after thousands of years of oppression, and the white tiger is quite a mixture of Slumdog Millionaires and Parasite. In both the movies, lead movie is about a rich wealthy Indian families ABTS driver late where he uses his wits and cunning skills to become an entrepreneur, and it is good to see at least few Indian movies are focusing on content rather than masala. Let's hope the rest of masala filmmakers
विल लर्न समथिंग फ्रॉम इट एंड अदर्स गौरव इज प्रेज प्रेज ऑफ टैलेंट हु डिड इंटेंस हार्ड वर्क इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर दिस रियलिस्टिक रोल एंड इट्स फैसिनेटिंग टू सी गॉर्जियस एंड टैलेंटेड प्रियंका आफ्टर ए लॉन्ग टाइम एंड सी डिड जस्टिस टू हर रोल एज एक्ट्रेस एंड एज वेल एज प्रोड्यूसर्स एंड द मोमेंट शी वॉज ट्राइंग टू इंफॉर्म पुलिस अबाउट द एक्सीडेंट इन विच शी वॉज इन्वॉल्व विच टुक लाइफ टू एन इनोसेंट पुअर चाइल्ड गॉट ओवरपावर्ड बाय हर एंड वेल्थी हस्बैंड्स फैमिली क्लियरली शोज मनी इज मोर पावरफुल देन समथिंग एंड एनीथिंग इन द वर्ल्ड एंड हर हर एंग्यूस ओवर इनइक्वलिटी एंड कास्ट सिस्टम इज ए प्रूफ आफ्टर हिज कंट्री इज स्टिल इन डेवलपिंग एंड पोलिटिकली पावर्ड फैमिली हिज एंड डिसेंसी टूवर्ड्स लोअर लेवल एम्प्लॉय एंड हेटेड अगेंस्ट कास्ट सिस्टम्स वॉट दिस कंट्री एग्जैक्टली नीड मोस्ट एक्लेम्ड डायरेक्टर्स बहरानी इज ऑन टॉप ऑफ द डायरेक्शंस वेयर ही स्पेड्स एवरी कैरेक्टर्स परफेक्टली इन हार्ड हिटिंग मैनर्स टू अचीव द रियल फीलिंग्स ऑफ इनइक्वलिटी एंड स्टिल ए वाइट टाइगर हैज इनफ करेज विल पावर टू फुलफिल हिज ड्रीम्स इज रियली एंड मोस्ट वॉच एंड स्टिल and cinematic experience was great and you have did the and you will be enjoy the overall movie and it's so good in last Oscar worthy and you should watch the movie right now and the movie was interesting and great job has been done and so good and exclusively be driving the party Partridge sons and his recently wed wife and sons lets the fine line between each word exclusively be driving the sons and his recently wed wife and soon lets the fine lines between each wood crumbles away which leads to a tragic inclusions And the directors Ramin
फरहानी इज़ द वाइट टाइगर इज ए नेम एंड द स्लाइटली अनइवन एडॉप्शन ऑफ अरविंद अदिगास 2008 डेब्यूट नॉवल ऑफ द नेम्स एंड ए यंग एंड एम्बिशियस मैन इन इंडिया टेक वन ऑफ द पॉलिटिशियंस पोजिशंस ऑफ ए पर्सनल कट फर्स एंड द टाइम Director Sir Ramin Biyani has done the great job, and you will be enjoy overall movie while watching. You should watch the movie right now. And more than everything, I felt a sense of pride as an Indian, and watching this and none of that story type or overplaying India. Everything is done the great in this movie. More than everything, I felt a sense of pride of an India and watching this. None of the story types or the overplaying Indian ways and accents and mannerisms. It was well real and the great job by all the characters and the very powerful statements and humanity that could play in the any cinema and everywhere and without and the White Tiger movie is based on Arvind Adiga's novel was published in 2008. It was the great movie and you should watch